तो गाइस आ गए हैं अपने एक और नए व्लॉग के साथ, लेकर आए हैं अपने पप्पी को ग्राउंड में, क्योंकि ये घर पर पूरा इसने हवाई जहाज़ बना रखा था अपना। सो ग्राउंड में लेकर आए हैं इसको। सुबह सुबह मौसम भी आज बहुत अच्छा है, आवाज़ भी आ रही होगी चीलों की आपको, कि ये जा रही है चील यहाँ से। अरे ये एक जा रहे हैं पता नहीं कहाँ, घर की तरफ अपने। और ये मेरा पप्पी घूम रहा है डॉग। अभी मैं दूसरे बच्चे को लेकर नहीं आया हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा ही छोटा है और ये उसकी रेल बना देगा। इसको गुस्सा आता है ना, तो ये खेल खेल में रेल बना देता है उसकी। दिखाऊंगा आपको उसको घर ले जाकर। सुबह से वो भी बहुत एक्टिव है और शायद इनमें फ्रेंडशिप भी हो गई है थोड़ी बहुत। थोड़ा मज़े ले रहा था आज ये उससे ही रसोई में। हम इसको कुछ नहीं कहते हैं, ये कहीं भी हमारे घर में कहीं भी बैठता है, कहीं भी चला जाता है। हम इतनी दिक्कत नहीं मानते हैं इससे, और ये काफ़ी सेफ भी रखता है फैमिली को। लेकर चल रहे हैं घर इसको, धीरे धीरे घर जाएंगे। काफ़ी देर तक घूमना पसंद है इसको, ये बहुत दौड़ बहुत लगाता है। पता नहीं कौन सी फुर्ती आती है इसमें, ग्राउंड में आ गए, दौड़ बहुत भागता है, बहुत भागता है। मतलब 5-6 किलोमीटर भी भगाओगे ना तो ये रुकेगा नहीं। खेत पर चलते हैं, वहाँ भी एक अपने रोड व्हीलर पाल रखा है, उसकी तबीयत बताई गई थी कि ख़राब है मैंने, जैसे कि आपको लास्ट व्लॉग में बताया था। अब उसको खाना ले चलते हैं घर से और खाना खिलाएंगे, उसकी तबीयत में देखेंगे क्या चेंज है। देखो ये जा रहा है मेरे साथ, अभी घर जाएंगे तो चलते हैं सीधा खेत लेकर आपको। यहाँ खड़े हैं स्ट्रीट डॉग और अपने पप्पी का रिएक्शन दिखा देते हैं स्ट्रीट डॉग के लिए क्या है। अभी देखो ये रहा, देखो देखो इसका स्ट्रीट डॉग के साथ रिएक्शन देखो। देखो ये सामने स्ट्रीट डॉग बैठा है ना, ये देखो अपना। अब मैं दिखाऊंगा कितनी जान लगा देगा ये पीछे से आए, देखना बहुत जान लगाएगा ये पीछे। देखो 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 कैसे ले जा रहा है, देखो अब देखो 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 स्ट्रीट डॉग के लिए। भाई आपने देखा ही होगा कितनी पावर लगा दी डॉग ने मेरे, तो ऐसे ही पावर लगाता है, अंधी पावर लगा देता है, कभी कभी रुकता भी नहीं है मेरे पे। कई बार ऐसा भी हो गया है कि झगड़ा बन चुका है इस चीज़ का, तो रुकता नहीं है बिल्कुल भी। गए हैं अपने फार्म पर और देखो ये मेरा फार्म है पूरा, यहाँ पर आ गए हैं। और हमने जो कल रेस्क्यू किया था रोट व्हीलर, वो यहीं पर है। देखो ये बैठा है आराम से, शायद इसकी तबीयत में थोड़ा सुधार है। देखो ये रहा, काफ़ी सुंदर भी है और 100% प्योरिटी में है ये पूरा। पता नहीं किसने छोड़ दिया था, तो कल हमने रेस्क्यू कर लिया है ये। और अब इसके लिए खाना वाना लाया, थोड़ा दूध रोटी इसको खिलाएंगे, फिर इसको थोड़ा यहाँ पर ठहरा देंगे। इधर उधर घुमाने के बाद इसको यहीं पर लाकर बांध देंगे थोड़ी देर, क्योंकि धूप भी आने वाली है, इसको धूप की भी ज़रूरत होगी ना। चलो गाइस खाना खिलाते हैं इसको। गाइस गोलू को ले चल रहे हैं घुमाने, और ये जो है ना, मतलब काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, इसको हमने ऐसी स्थिति में ही रेस्क्यू किया था। देखो आप इसके चलने के तरीके से भी देख सकते हो कितना कमज़ोर लग रहा है आपको ये, वरना ये ब्रीड ऐसी नहीं होती। देखो इसको चक्कर से भी आ रहे हैं, मतलब बहुत ही काफ़ी वीक हो चुका है। आपको शायद पीछे से पता लग जाए, पीछे से भी दिखाऊंगा मैं आपको। देखो कितना मतलब वीक हो चुका है। खुला छोड़ दिया है थोड़ी देर जूली को, सुबह से बंदी हुई थी, तो जूली खेलेगी थोड़ी देर, मज़ा लेगी, फिर इसको घर ले जाएंगे अपने वापस। आजा जूली, सुनती नहीं है वो, बहुत ही कम सुनती है, मनमर्जी है इसकी अपनी। कभी पहली बार में आती है, कभी बहुत देर तक बुलाते हैं, जब भी नहीं आती। अभी ट्रेनिंग नहीं स्टार्ट की है मैंने इसकी, जब ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेंगे तो फिर ये अच्छे से सुनेगी और बात मानेगी हमारी। ये भाई रोड व्हीलर है, अगर किसी भाई को अडोप्ट करना है तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप इसे अडोप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेंडली है, कुछ नहीं कहता है और बढ़िया भी ब्रीड है। देखो 100% प्योरिटी है इसमें अंदर, बहुत ही सुंदर क्यूट बेबी है। आप चाहो तो इसको अडोप्ट कर सकते हो, नो कॉस्ट। आइए आप और मेरे पास कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको फ्री में अडोप्ट करा दूंगा। ये डॉग बहुत ही सुंदर है, मासूम भी है बहुत,